अगर एल आता है ये आंसर फॉल्स तो वो आंसर गलत और गलत रहता है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द आंसर एट लीस्ट 12 क्वेश्चन करेक्टली. तो कम से कम 12 क्वेश्चन का उत्तर सही दे दिया इसका प्रोबेबिलिटी कम से कम 12 और 12 13 से लेकर कहां तक 20 तक. तो ट्रायल कितना है इसमें है? ट्रायल कितना है? तीस में जब क्वेश्चन है तो तीसों को ना ट्राई करेगा. तो नीचे का सीखा हूँ छोल को हमने बहुत है ना हम छाल सी हैं. तीन बराबर तीस वैल्यू ऑफ इस. अच्छा तो आंसर का निर्णय कैसे करता है सीखा हूँ छाल को. हेड आता है तो आता है आंसर. यहाँ 12 क्वेश्चन कम से कम 12 क्वेश्चन का 12 से अधिक ना 12 से अधिक का सही आंसर देता है इसका प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है. यानी कि सही आंसर देता है वही घटना घटित हो रहा है वही सफलता है. तो सही आंसर कब देता है? तो यहाँ हेड का आना ही उसकी सफलता है. हेड आया तो आंसर सही देता है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अब यहाँ पी बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा बताइए. वन बाई टू होगा. तो इसलिए क्यू क्या होगा तो क्यू कितना हो गया वन बाई टू. तो अब पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं समझ में आया उधर सीखा पर निर्णय ले रहा है. हेड आता है तो उत्तर सही देता है नहीं तो हेड आना ही उसकी सफलता है. तो अब 12 से अधिक क्वेश्चन का आंसर वो सही देता है तो हम क्या लिखेंगे एक्स ग्रेटर इक्वल टू 12 का अर्थ एक्स बराबर 12 तीन एक्स बराबर 13 से कहां तक एक्स बराबर. अब चलिए बोलिए तीन बीस सी 12 एक बटा दू का पावर 12 फिर एक बटा दू का पावर 20 में से 12 गया. बोलिए.